नमस्कार, खबरनामा हरियाणा आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र के पनोरमा में। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें कि 16 मई से लेकर 20 मई तक जो है पनोरमा के अंदर आपको निशुल्क एंट्री मिलेगी। तो फिलहाल अंदर जाएंगे और पूछेंगे आखिरकार किस तरह की जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। मैम नमस्कार, किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? टिकट नहीं लग रही है क्या? सही है? हाँ सही है, ये 16 से 20 तक। बिल्कुल फ्री है, सिर्फ पार्किंग लगेगी, एंट्री फ्री। तो फिलहाल अंदर भी आपको लेकर चलेंगे, आखिरकार आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। कैमरामैन से कहूंगा कि जल्द थोड़ा करीब आए, आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप भारतीय वैज्ञानिक विरासत भी देख सकते हैं। फिलहाल कुछ तमाम लोग हैं, उनसे हम जरूर मिलेंगे और देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की निःशुल्क जो है पनोरमा के अंदर, कोई टिकट नहीं है, निःशुल्क लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो फिलहाल जानने का जरूर प्रयास करेंगे। ये देखिए प्लेट में सिर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो है पनोरमा के अंदर कोई टिकट नहीं लग रही है, तो किस तरह की सुविधाएं मिल रही है आपको? अभी तो जस्ट हम एंट्री किए हैं, तो अभी देखेंगे यहाँ पे काफी अच्छा बना हुआ है, साफ सुथरा है, तो अच्छा है। तो देखिए कुछ और लोग भी साइड हैं जो लगातार साइंस को देख रहे हैं, लगातार जो है पनोरमा के अंदर जो चीजें बनी हुई हैं उनको देख रहे हैं। कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं, हम जरूर उनसे मिलेंगे और पूछेंगे। आपका नाम? पिंकी। जो है 16 मई से लेकर 20 मई तक फ्री, कोई टिकट नहीं है पनोरमा के अंदर, तो क्या आपको लगता है जो दर्शकों को किस तरह की सुविधा मिलती है? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे लंगर लग रहा हो, यहाँ हर कोई खा के जा रहा है। भीड़ है? भीड़ भी है, वैसे भी लंगर से ही लग रहा है, कोई वो नहीं है। क्या क्या देखा आपने? बस देखा तो क्या, चलते गए बस, कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो ठीक है, तो और भी पूछने का जरूर प्रयास करेंगे और लोगों से, क्योंकि आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि 16 मई से लेकर 20 मई तक जो है निःशुल्क यहाँ पर एंट्री है, कोई टिकट नहीं है। ऐसे में आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। कुछ तमाम लोग यहाँ पर हैं, स्टूडेंट कहें, लोग कहें, गांव से कहें, शहर से कहें, हर कोई यहाँ पर आ रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि 16 मई से लेकर के 20 मई तक निःशुल्क एंट्रियाँ यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल इनसे हम पूछेंगे। सर आपका नाम क्या है? यार मेरे से क्या पूछो, मेरा भाई बहुत इन्हें। हाँ जी सर, बता भाई। सत्यम बंदे बताया यार, कोई टिकट लगी आपको? हाँ जी, टिकट लगी आपको? नहीं, हमारी कोई टिकट नहीं लगी। हाँ जी बिल्कुल। 40 रुपए की? हाँ जी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया, खतरनाक, समझ में भी नहीं आ रहा कुछ कुछ, ऐसा भी लग रहा है। तो जरूर आपको और भी कुछ दिखाएंगे क्योंकि लगातार जो है लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। पनोरमा के अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि पनोरमा के अंदर जो है तमाम लोग जो है साइंस देख रहे हैं, किस तरह से जादुई कार्ड यहाँ पर है, और इसके अलावा बहुत कुछ है, चलचित्र यहाँ पर है और आपको पढ़कर भी सुनाएंगे। देखिए, दक्षिणावर्त दिशा में ड्रम हो, ड्रम को हाथ से घुमाएं और केंद्रीय स्तंभ को देखें, आप एक चलचित्र देखेंगे। अब इसे वामार्त दिशा में घुमाएं और चित्र को देखें, आप इस मैजिकीय और अश्विशनीय पाएंगे। तो देखिए अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो है साइंस दिखाई जा रही है। फिलहाल जो है कुछ लोग उस तरफ भी हैं और लगातार जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के पनोरमा और साइंस सेंटर के अंदर जो है 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है निःशुल्क यहाँ पर एंट्री है। किसी प्रकार की कोई भी टिकट इस वक्त यहाँ पर नहीं लग रही है। आप अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं, अपने परिवार दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि 16 मई से लेकर 20 मई तक कोई भी किसी प्रकार की टिकट यहाँ पर नहीं लग रही है। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, जो कपास चरखा यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखाए, कपास चरखा यहाँ पर है। उसके बाद मोम लुप्त दलाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो है ये किसी प्रकार की मूर्तियाँ हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं लोह निर्माण, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि किस तरह से जस्ता गलाना यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास से रिलेटेड हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और ये देखिए एक छोटा सा हड़प्पा तकनीकियां यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा के लोग हैं वो किस तरह से अपनी जीवन जो जीवन शैली है वो जिया करते थे। और ये तमाम तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, क्योंकि जो है 20 मई तक जो है कुरुक्षेत्रा संग्रहालय पनोरमा के अंदर आप विदाउट टिकट लेकर आ सकते हैं, निःशुल्क आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी टिकट नहीं लग रहे। तो फिलहाल औरों से भी जानेंगे कि आखिरकार कुरुक्षेत्रा के संग्रहालय में जो है निःशुल्क लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, और ऐसे में ज़रूरी उस वक्त हो जाता है कि आप भी अपने परिवार के साथ आए। सर नमस्कार। ये सभी नीचे का देख रहे हैं अभी, बहुत अच्छा है। अपने परिवार को लेके भी आए हैं? हाँ जी, परिवार आया हुआ है, आया हुआ परिवार विद फैमिली के साथ, विद सब भी है। तो देखिए तमाम वो लोग जो यहाँ पर आए हैं विद फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, तो बार बार मैं यही अपील करूंगा इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे, ताकि वो भी पनोरमा में आए, निःशुल्क आए, किसी प्रकार की कोई भी टिकट यहाँ पर नहीं ली जा रही है। तो फिलहाल ऊपर जाएंगे और देखेंगे किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह के लोग ऊपर गए हैं। तो फिलहाल हम ऊपर आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि महाभारत का किस तरह से दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जो लोग हैं उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि निःशुल्क यहाँ पर एंट्रियाँ हो रही हैं। 20 तारीख लग ये एंट्रियाँ ऐसी ही चलेंगी, आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो किस तरह से खबरनामा हरियाणा आपके लिए ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, और निःशुल्क यहाँ पर 20 तारीख तक एंट्रियाँ रहेंगी, तो आप अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कुछ तमाम लोग भी हैं उनसे ज़रूर पूछ लेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्रा के जो है पनोरमा के अंदर 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में लोग वो तमाम लोग यहाँ पर जो है निःशुल्क यहाँ पर आए हैं। फिलहाल अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखाया भी जाता है, हिंदी में लिखा हुआ है कि किस तरह से आप यहाँ पर पढ़कर भी इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो कुछ तमाम लोग हैं, हम उनसे ज़रूर पूछ लेंगे, क्योंकि निःशुल्क जो है एंट्रियाँ यहाँ पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, निःशुल्क एंट्रियाँ हो रही है सर, आप कहाँ से हैं? सर हमारे कोई न्यू और से करो। कहाँ से हो? अम्बाला से। अच्छा अम्बाला से। तो देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से सर, एमपी से, एमपी उज्जैन से। अच्छा सर, टिकट लिए सर आपने? हाँ लिया। देखिए बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं यात्री हैं वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख लग अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे में संग्रहालय के जो कर्मचारी हैं जो स्टाफ है उन्होंने जो है लोगों की एंट्रियाँ फ्री रखी है, तो और भी कुछ जानने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो गाँव के लोग हैं जो किसी कारण से आ नहीं पाते थे, जो ये सोचते थे कि टिकट यहाँ पर इतनी लगेगी, अपनी विद फैमिली के साथ यहाँ नहीं आ सकते थे, तो ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अपने परिवार के साथ वो आएं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खबरनामा हरियाणा की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्रा के संग्रहालय यानी कि पनोरमा से ये सीधी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और अपने कुरुक्षेत्रा, अपने संग्रहालय पनोरमा और साइंस सेंटर में आकर के वो सारी तमाम चीज़ें देखें जो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाए हों। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिलहाल वो तमाम दर्शक हमारे साथ हैं, क्या आपने टिकट ली? नहीं। तो जो है 16 तारीख से लेकर 20 तारीख लग पनोरमा के अंदर कोई टिकट नहीं है, इस तरह से आप क्या समझते हैं, क्या लोगों को अच्छी चीज़ें देखने मिल सकती? बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि उन्होंने 20 तक कहा है कि अपनी है, फीस है, तो मतलब बहुत अच्छा है। देखिए अगर आप अपने परिवार के साथ आना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को लेकर आना चाहते हैं, अगर आप कभी आए नहीं हो तो आपके पास मौका है, 20 तारीख तक आप यहाँ पर आ सकते हैं और पनोरमा के अंदर वो सारी तमाम चीज़ें देख सकते हैं जिन्हें आप अक्सर टीवी में देखते थे। तो वो सारी चीज़ें हमने लोगों से भी बातचीत की, दर्शकों से भी बातचीत की, कि आखिरकार जो है संग्रहालय के अंदर कोई भी टिकट नहीं लग रही है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने परिवार के साथ आएँ, क्योंकि आकर वो सारी तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुरुक्षेत्रा पनोरमा के अंदर साइंस सेंटर भी है यहाँ पर, आपको यहाँ पर अलग अलग साइंस से जो टेक्निक्स हैं वो देखने को मिलेगी। फिलहाल कार्यालय के अंदर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों से भी बातचीत करना बनता है, क्योंकि उनसे पूछते हैं कि आखिरकार
पनोरमा के अंदर, कुरुक्षेत्र के साइंस सेंटर के अंदर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या निःशुल्क एंट्री हो रही है या फिर किसी प्रकार की कोई टिकट लग रही है? तो फिलहाल आपको अंदर लेकर आए हैं और सर से जानेंगे कि आखिरकार 16 मई से लेकर 20 मई तक की किस तरह की सुविधाएं यहां पर दी जा रही है। सर, एक खबर है जो लगातार चर्चा में है पिछले एक दो दिन से, क्या ये सही है कि यहाँ पर जो है जो दर्शक देखने आते हैं उनको निःशुल्क यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगी? हाँ जी, कुरुक्षेत्र पनोरमा एवं विज्ञान केंद्र, ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस तौर पे हम 16 मई से 20 मई तक जो विजिटर्स हमारे पास आएंगे इनको निःशुल्क एंट्री दिया जा रहा है। इसमें कोई एंट्री फी नहीं लगेगा, ये सभी एजों के लिए, सभी दर्शकों के लिए फ्री है। और इसके साथ साथ हम मोबाइल साइंस एग्जीबिशन इसमें दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी भी हम 18 मतलब कल उद्घाटन होने वाला है जी। वो एग्जीबिशन भी हम प्लांट हेल्थ के ऊपर बनाया गया है, वो भी कल उद्घाटन होने वाला है। इसके अलावा सिट एंड ड्रा कॉम्पिटिशन, एग्जिबिट हंड कॉम्पिटिशन और साइंस फिल्म शो इत्यादि कार्यक्रम पब्लिक के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। सर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है तो इसमें जो 20 तारीख को होगा वो कब तक रहेगा टाइमिंग? सर, टाइमिंग है इसमें 18 और 19 तारीख की स्पेशल एंट्री दिया जा रहा है, मतलब रात को 9 बजे तक खुला रहेंगे सिर्फ 18 और 19 तारीख को, बाकी 16 से 20 तारीख तक नॉर्मल टाइम है, मतलब 9:30 बजे से 6 बजे तक शाम को। मेरा नाम है श्रीनिवास नेहरू, मैं यहाँ पे परियोजना संयोजक हूँ। तो देखिए, जैसा आपने सुना कि 20 मई तक जो है पनोरमा आपके लिए खुला रहेगा, निःशुल्क आप अंदर आकर देख सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो भी आप यहां पर आकर लुत्फ़ उठा सकते हैं। खबरनामा हरियाणा, कुरुक्षेत्र।